हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 बजे आप लोगों के लिए एक शानदार प्यारी सी क्लास आती है, जहां पर हम कवर कर रहे हैं अपना टारगेट द मैथ, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज जो आपका टॉपिक है एवरेज का पार्ट नंबर थर्ड हम कवर करेंगे, और पार्ट नंबर थर्ड में बहुत ही कुछ खास चीजें हम सीखने वाले हैं हमेशा की तरह। पार्ट नंबर थर्ड औसत का, ठीक है, लेक्चर नंबर 92। और डेली 11 बजे आप लोगों की क्लास चलती जा रही है, 12:30 बजे ग्रुप डी के लिए होती है, 5 बजे आपका एक प्यारा सा बैच आता है जो कि आपके लिए फाउंडेशन को तैयार कर रहा है। अगर आप वीक हैं तो इसको आप अपनी कमजोरी ना समझिए। अगर आप वीक हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप सीख नहीं सकते, सीखने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, और शुरुआत अगर आप अच्छी करोगे तो आप सीखोगे जरूर, इतना मैं जानता हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस तरह से खुद को ढालोगे वैसे ढल जाओगे। 6 बजे आपका, 6:30 बजे आपका क्या होता है, टेस्ट होता है जो कि 11 बजे वाली क्लास से संबंधित होता है, और रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है। ये चीज कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहती है आप लोगों के लिए स्पेशली। साथ के साथ सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ में, एवरेज हमारा चल रहा है, उसके बाद हमारा अलजेब्रा चालू होगा। मेरा जीडी के लिए भी मैंने बैच बनाया है जहां पर मैं आपको अल्टीमेट प्रैक्टिस करा रहा हूं। सुबह 9 बजे हम इस बैच में जुड़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन लगाते हैं, उन क्वेश्चन के इर्द गिर्द सारी चीजें सीखते हैं। अब जो लोगों ने पहले से ही सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है तो जितने भी ये बैचेस हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए, जिन्होंने पहले से ही फाउंडेशन ले रखा है। तो आपको मैं बस हमेशा से ये कहता आया हूं कि साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप एसएससी कैटेगरी में जुड़ जाओ, उसके बाद साल भर तक जितने भी बैच आएंगे वो आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है उनके लिए। यही सब्सक्रिप्शन का फायदा भी है। दूसरी चीज क्या कहना चाहूंगा कि 25 तारीख से मेरा नया फाउंडेशन बैच भी आ रहा है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में। 6:30 बजे टेस्ट होता है, पता है एवरेज का होगा, रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होगा। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने एसबीआई पीओगी भी सीरीज स्टार्ट की है, 3:00 बजे वो चल रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एवरेज कल हमने सीखा, एवरेज के बारे में कल हमने बहुत कुछ सीखा है, तो उम्मीद करता हूं कल आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ होगा और आपने एक बेहतर चीज कल सीखी होगी। यस या नो, किस किस विद्यार्थी ने फॉर्मूले दोबारा से घर पे लिखकर देखे, जल्दी से मुझे बताओ। जितने भी विद्यार्थी हैं, डेली मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा हक बनता है बॉस कि मैं आप लोगों से आपकी डेली एक्टिविटी का जायजा लूं कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर यहां से निकलने के बाद यार 1 घंटा ऐसे पता नहीं कैसे चला गया, तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगाकर करो, अधूरा काम फिर अधूरा ही रहता है, फिर उसकी पूरा आउटपुट नहीं निकल के आ पाएगा। एवरेज के हम बात पे बारे में बात कर रहे थे लास्ट टाइम हम थे, हमने गुणज का निकाला था, तो उसी से ही रिवीजन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, 17 के प्रथम 6 गुणज का एवरेज बताओ। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 × 17, सत्रह के पहले 6 गुणज का एवरेज बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 का जो पहला गुणज होता है वो 17 × 17 होता है, और 17 का अंतिम गुणज, क्योंकि यहां हम एवरेज अक्सर जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो यही है कि अगर आपकी कोई क्रमागत हो, अब क्या ये क्रमागत होगी, कंजुगेटिव होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 17 का पहला गुणज, 17 का दूसरा गुणज कंजुगेटिव होगी, डेफिनेटली होगी। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि भाई फर्स्ट प्लस लास्ट बटे दो लग जाएगा, 17 × 119 बटे दो, यानी कि आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आपका निकलकर आ जाएगा 116 × 58, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद बचा 3 × 1.5, 59.5। तो आपका जो एवरेज होने वाला है वो होगा 59.5 होगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है इस तरह से, उसका जवाब आप मुझे देना। ऐसा पूछ लिया जाएगा कि 5 के 15वें गुणज से 25वें गुणज तक का एवरेज बताओ। बिल्कुल पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रथम ही आए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 5 के 15th मल्टीपल एंड 25th मल्टीपल का एवरेज क्या होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 के 15वां गुणज को ले लो प्रथम, और 5 के 25वें गुणज को ले लो अंतिम, और फर्स्ट प्लस लास्ट बटे दो कर दो, 5 को कॉमन ले लो इनटू 40 बटे दो, यानी कि आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आने वाला है 100, यानी कि 100 आपका क्या होगा 5 के 15वें और 5 के 25वें गुणज का औसत होगा। बात समझ में आ रही है, एक टोन समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस तरह से चल सकता है आप लोगों के लिए, और यही आपका सही जवाब भी है। बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अक्सर मैंने आपको यह सिखाया कि एवरेज का सही मतलब क्या है, अक्सर मैंने आपको यह सिखाया कि एवरेज औसत का जो सही मतलब है बैलेंस है, औसत का सही मतलब संतुलन है। यानी कि अगर आप कहते हो कि यार इस पूरे कक्षा में कितने भी नंबर आए हो औसत नंबर इतने हैं, औसत वो एक स्थिति को बता देता है जहां आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते अरे यार तुम्हारे यहां तो बहुत जीरो वाले भी हैं, तो आप उस औसत के व्याप पर ये अपने आप को बचा सकते हो कि यार देखो हमारे पास टॉपर भी तो हैं, हमारे पास जीरो वाले भी हैं तो हमारे पास टॉपर भी हैं, इसलिए हमारा औसत इतना है। तो औसत आपको बैलेंस देता है सर। अब इसका एक साधारण सा उदाहरण ये है कि जब कभी भी आप कोई भी चीज देखते हो, जैसे कि मैंने बोला 50 और 60, अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 50 प्लस 60 बटे 2, 55 आ गया ना। तो आपसे यही तो कह रहा है 55 कि भाई देखो 55 अगर आ गया तो देखो पहली बात तो वो 50 और 60 के बीच में आएगा। बोले आएगा, और अच्छी बात ये है कि इससे भी वह 5 छोटा है, इससे भी वह 5 बड़ा है। तो इस तरह से आपका अनुपात 1:1 आया, यानी कि ये समझ में आ गया कि 50 और 60 किस अनुपात में मिले हुए हैं, 1:1 में। क्या बात है, तो आपका एवरेज ही एलिगेशन है, एलिगेशन ही जेएसएम है, जेएसएम ही एवरेज है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि गणित को अंदर से घुसकर समझना आपको आवश्यकता है उसकी, कि आप अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आप वही चीज बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो, अलग अलग चैप्टर की लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ रहे हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि चीज वही निकल कर आ गई। अब आप कहोगे अरे सर ये तो मिक्सर हो गया। मैंने कहा भाई मिक्सर है ही नहीं, ये तो जेएसएम है कि मैंने 1:1 में संख्याओं को लिया 50 और 60, इसका मैंने जेएसएम लगाया तो 50 हमारा ये आया और ये इससे 10 ज्यादा है, और 10 ज्यादा है तो केक कटेगी तो दोनों में बटेगी क्योंकि इसको भी रेफरेंस में ले रहे हो आप, तो 1:1 में बांट दो तो ये 55 हो गया। तो चीज तो वही है, समझने का तरीका है। इस तरह से आप एवरेज को आज समझेंगे कि वास्तव में कैसे संतुलन मेंटेन होता है, वास्तव में वो 55 जो आया वो कैसे डिसाइड कर रहा है। तो देखिए जरा, जैसे कि मैंने बोला सर ये 50 है और ये 60 है, माना एवरेज मैंने 55 ले लिया, तो ये 55 से कितना कम है, माइनस का 5, और ये 55 से कितना ज्यादा है, प्लस का 5, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 0, यानी कि कुछ नहीं आएगा, जो है वही आंसर रहेगा।
जो है वही आंसर रहने वाला है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगा होगा सर, ठीक है आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो आप। ऐसा ही होता है, मैंने बताया ना ऐसा ही होता है, ये सब मुझे पता है, लेकिन अब यहां से आपको अपनी थीम पकड़नी है कि अच्छा ये रेफरेंस है। अब मैं इन सब चीजों को अलग अलग बताने वाला हूं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे। चलिए आइए, मैंने कहा यार मेरे पास एक संख्या 60 है और एक संख्या 70 है, एक संख्या 80 है, मुझे इन तीनों का एवरेज बताओ। सबसे एलिमेंट्री, अब आपकी कहानी मेरी जवानी, जुवानी जवानी नहीं तो एवरेज क्या है सर, एक एक बार है ना तीनों, तो एवरेज क्या करना सर, आप कुछ भी इनमें से मान लो। तो मैंने कहा यार मैंने 60 माना, देख 60 मान लिया, ये एक्चुअल आंसर थोड़ी ना है, 60 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 60 तो अलाउ ही नहीं है। बोले अच्छा क्यों नहीं अलाउ, क्योंकि किसी भी दिए गए डेटा में क्या सबसे मिनिमम वैल्यू आंसर हो सकती है, क्या क्या सबसे मैक्सिमम वैल्यू आंसर हो सकती है कि नहीं, हमेशा मिडिल वैल्यू होती है। तो यही एवरेज की कहानी है, यहां से तो जीरो आएगा, यहां से प्लस का 10 और यहां से प्लस का 20, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, एवरेज को फोन लगाया, बोले हेलो, बोले हां एवरेज, बोले बोली एवरेज ही बोल रहा हूं। तो बोले यार ये अपना 30 ज्यादा आ रहा है उधर। बोले कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हमने तो अपने आप को माना है, 30 ज्यादा आ भी रहा है तो यहां भेजो आप। तो बोले भाई साहब आपने मंगा लिया, आप करते क्या हो इस 30 का। कुछ नहीं सर, हमने 60 माना था, हमने ये थोड़ी कहा था कि 60 ही होगा। अब जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ रायता है हमारी, हम संख्या काउंट कर लेते हैं, इसमें 60 को कोई हम धोखा थोड़ी देंगे, संख्या हमारे पास 3 है और सिंगल सिंगल है तो 3 ही अनुपात में काउंट होंगी। तो केक कटती है तो सब में बांट देते हैं फिर, तो जो ये केक है ये तो ये सब में बंटता है, और जो माना है वो तो बेस है ना सर, वो तो बेस है, उसको तो बेस की तरह लेंगे। बोले ठीक है यार ये चीज भी। तो इस तरह से एवरेज निकल कर आया 70। अगला 65, 67 और 78 एवरेज निकालो। हाँ कई लोग सोच रहे हो अरे यार क्या बता रहा है मास्टर, तीनों को जोड़कर बटे 3 कर दो ना यार, इतना नाटक क्यों। हाँ अभी रुको तो सही जरा, तो क्या करूंगा सर, पता नहीं आप क्या करना चाहते हो, मैं तो परेशान हो गया हूं आपसे। मैं भाई ऐसी क्या बात हो गई। बोले कुछ नहीं, कभी कुछ भी, अब क्या करें बताओ आप। मैंने कहा भाई देख सबसे मिनिमम तो आएगा नहीं 65, 78 भी नहीं आएगा, बीचों बीच में आएगा कहीं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है कि जो अब ये तो कॉन्जिक्यूटिव था, 70 दे दिया, क्या करोगे। मैंने कहा यार 65 ही मान लेता हूं, 65 ना भी मानो तो चलेगा, आप चाहो तो 70 मान लो, हाँ चाहो तो 70 भी मान सकते हो, 65 भी मान सकते हो, मैंने 70 मान लिया लो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो जब आपने मैंने 70 माना तो 70 को देखा, ये माइनस का 5 आया, ये माइनस का 3 आया और ये प्लस का 8 आया। मैंने कहा कि सर ये तो फोन किया 70 ने। बोले क्या हुआ भाई। कुछ नहीं यार, क्या आ रहा है वहां, कुछ बच रहा है का सामान। बोले नहीं सारा उठ गया, सब कुछ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आ रही हो आगे, अब आती तो बांटते, नहीं आई तो नहीं बटेगा। और अच्छी बात यह है कि यहां से जो भी आता है और एवरेज की तरफ आता है वो एक्चुअल साइन में आता है, बिकॉज यहां बैलेंस स्थापित करना पड़ता है। अगर यहां है मिसिंग तो बैलेंस चाहिए, वहां पर बैलेंस नहीं चाहिए आपको, वहां पर नहीं चाहिए, वहां पर तो जो भी आया
वहां ले जाओ, वहां कुछ नहीं आया तो कुछ भी नहीं बटेगा, तो 70 ही आपका आंसर होगा, 70 ही आपका आंसर होगा। सर 70 ना मानू तो? ना माने तो भाई 67 मान ले भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, 67 मान लो। 67 से 65 को देखोगे तो माइनस का 2, इधर से 0 और इधर से कितना आ रहा है, प्लस का 11। तो यहां से कुल मिलाकर निकल के कितना आया, प्लस का 9। फोन किया, बोले क्या बचा पड़ा है भाई, बोले 9 बचा हुआ है, 9 भेजो 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 अभी भेज, 9 को भेजा। अब इस 9 का क्या करोगे, ये तो आपके लिए वेस्ट हो गया। नहीं भाई, अगर ये 9 हमारे पास मुनाफा है जो कि बच रहा है तो हम इसको तीनों में बांटेंगे, क्योंकि तीन संख्याएं हैं यहां पर, 1:1:1 में, तो आंसर कितना आ गया, 70। अब आप कहोगे ये भी ठीक है, ठीक है हाँ। मान लो सर एवरेज आप निकालना चाहते हो, आप मानोगे, मान लो आपने कह दिया मैं तो 75 मानूंगा, मैंने कहा भाई वो भी मान लो, क्योंकि एवरेज तो बैलेंस करके देगा, 75 मान लिया आपने, 75 से ये कितना कम है, माइनस का 10, ये कितना कम है, माइनस का 8, और ये कितना ज्यादा है, प्लस का 3, यहां से कितना आ रहा है, माइनस का 15। अब माइनस में आ रहा है तो माइनस में, अब घाटा हो रहा है तो घाटा, माइनस का 15 ही आ रहा है, बटेगा तीनों में, क्योंकि केक कटती है सब में बढ़ती है, चाहे फायदा हो चाहे घाटा हो, बटेगा सब में, 70 आंसर आ गया। यानी कि मैंने आपसे ये चीज समझाने के लिए ये सारे एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई मजे करने के लिए नहीं है, समझ में आने वाली बात इतनी सी है मेरे दोस्तों कि आपके पास इस तरह से बैलेंस बनता है एवरेज का, कि आप चाहे किसी भी तरफ उनको लेके जाओ लेकिन एवरेज आपको वही मिलेगा जो एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मूव करते हैं, चीजों को और अच्छा बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 79x 83 97, इनका एवरेज मैंने कह दिया 100 है, अभी सुनना मेरी बात, इसका औसत 100 है, तो ये x क्या होगा, सभी एक एक अनुपात में है लेकिन तरीके से धीरे धीरे समझेंगे। बच्चा कह रहा है सर 65 से कीजिए, और वो एक ही बच्चा है प्रतीक आनंद, प्रतीक आप करके देखो, अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो फिर मेरे को बताओ, है ना भाई, हाँ कर सकते हैं, वही चीज होगी, है ना। अब इस प्रतीक को तो बस 65 से करके देखिए, फिर ऐसे तो यार अनंत अनंत तरीके हैं, और वो कर सकते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा थम जाओ, अब आगे चलते हैं। तो अब जैसा कि मैंने यहां बीच में दे दिया कि यार ये मुझे x निकाल के दिखाना है आप लोगों को, क्या करोगे, अब जैसा आपने बोल दिया कि यार एवरेज तो 100 ही आना चाहिए, मेरे को नहीं पता, एवरेज तो 100 ही चाहिए बॉस, 100 ही चाहिए, मैं नहीं सुनना चाहता कुछ भी, तो अब सारा जिम्मेदारी किस पर आ गया, आप खुद सोचो कि अगर एवरेज ने बोल दिया ये तो भाई ढीठ हो गया, 100 ही चाहिए, मैं नई बात करूंगा आगे तुमसे इस बारे में, 100 ही चाहिए, तो सारी जिम्मेदारी एक्स पर आ गई, एक्स वो है जो डिसाइड करेगा कि एवरेज 100 हो, क्योंकि वही अकेला ऐसा है जो वेरी हो सकता है, यानी कि जो चेंज हो सकता है, वही अकेला ऐसा है, देखते हैं, वही अकेला ऐसा है जो चेंज हो सकता है। अब देखते हैं भाई, 100 से ये देखा तो सर ये आया माइनस का 21, ये आया माइनस का 17, और ये आया माइनस का 3,
कुल मिलाकर कहानी क्या बोली, कहानी बोलती है कि माइनस का 41 आ रहा है एवरेज ने बोला। भाई देख मैं तो 100 हो गया हूं, बोले फिर क्या करें, उधर क्या स्थिति चल रही है, बोले यार क्या कर दिया तुमने, वो सारी संख्याएं तो आपसे कम है, मैं क्या करूं अब, हैं सारी टेंशन मेरी है, क्या क्या करूं मैं अब। बोले यार ठीक है, बोले यार वो सारे माइनस में है क्या, बोले हाँ सारे माइनस में, और तुम 100 लेके बैठे हो, अब तुम्हें तो 100 चाहिए, अब बाकी तो माइनस में है ना। बोले कितना लोड आ रहा है, बोले लोड लोड की बात क्यों कर रहे हो, लोड तो 41 आ रहा है माइनस में। बोले वो एक्स है ना अपने पास, हाँ तो वहां जीरो बनाने के लिए एक्स को क्या कर दोगे आप, प्लस 41 कर दोगे। अच्छा तो प्लस 41 कहां से, बोले मेरे को तो आप रेफरेंस मान लो भाई, मैं 100 से ऊपर ले लो ना तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है फिर ये कर लेते हैं। तो एक्स ने कहा कि मैं तैयार हूं भाई साहब, तो जो ये नेगेटिव चीज है वो तो एक्स को जुड़ना ही जुड़ना है, और किसमें, उससे ऊपर, क्योंकि सब उससे छोटे हैं तो वो तो उससे बड़ा होगा, और वो इतना बड़ा होगा कि वो इन सबको जीरो कर जाए, न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल हो गया यहां से तभी वो 100 रह पाया, वरना वो 100 कैसे होता। तो इसलिए एक्स जो होगा वो 141 होगा। ठीक है चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं सर अगला एग्जांपल। नाइन्टी एट वन सेवन एक्स वन नाइन एवरेज मैंने आपको दे दिया 88, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। अभी ये सिंगल सिंगल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, शिखा कह रही है सर x माइनस केवल 41 होना चाहिए। शिखा 41 होगा तो पॉसिबल कैसे है बताओ, अगर x 41 हो गया तो ये 100 से कंपेयर भी तो होता है, तो 100 तो होगा ही, ये 100 पर तो खड़ा ही है, जो भी वेरिएबल होता है वो औसत पर तो रहता ही है। अब बैलेंस करने के लिए 41 चाहिए अपन को, इसलिए वो 141 होगा, वरना फिर वो भी कम कर दोगे आप तो कहां से बैलेंस कर पाएगा वो। तो सर क्या करूं, कुछ नहीं उसको तो वो तो अड़ गया, मैं तो 88 होऊंगा। मैंने कहा भाई देख ये प्लस का 10 है और ये प्लस का कितना है 90 और 27 और 2 29 और ये माइनस का कितना है, सॉरी ये भी प्लस का ही है, ओहो तो ये कितना हो गया 90 29 और 2 31। फोन किया भाई, बोले एवरेज क्या हाल चाल है, बोले यार मैं तो 88 हूं, बोले वहां तो आफत मची पड़ी है, बोले क्या हो गया, बोले आफत मची पड़ी है यार, मतलब सारे के सारे बड़े जा रहे हैं, तो बोले कितना आ रहा है लोड, बोले यार लोड आ गया 60-70 लोड आ रहा है 70, बोले और क्या कैसे मैनेज करोगे अब 70 को, वहां 70 ज्यादा है और आप 88 हो, वो सारे आपसे ज्यादा हैं। बोले यार वो एक्स है ना उसके ऊपर ही मतलब कर दो पूरा, तो ये जो 70 है ये यहां माइनस होगा और वो किस में होगा 88 में, क्यों एक्स वही होने वाला है फिर, अब जब एक्स 18 होगा तभी बैलेंस कर पाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। चीजें क्लियर हो गई क्या, स्थिति समझ में आ रही है, सिंगल वेरिएबल बात है अभी तो और मजा आएगा। चलिए अभी तो मजे की शुरुआत हुई है,
एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि एक स्कूल है और स्कूल में बॉय और गर्ल का रेशो दे रखा है 60% और 40%। ठीक है सर। और इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 50 और 40। तो स्कूल का एवरेज बताइए। एवरेज रिजल्ट मान लीजिए इसको कि भाई लड़के 50 पास हुए हैं, लड़कियां 40% पास हुई हैं, तो एवरेज रिजल्ट क्या होगा ये भी परसेंटेज में। तो कहानी इसी तरह से चलती चली गई, लेकिन आज बात यह आ जाती है कि जो संख्या होती है ना, जो संख्या होती वो 3:2 में होती। सर 8 है तो 60% 40% देती, बट आप 3:2 क्यों लिखती? बिकॉज ऑफ यहां सिंगल सिंगल यूनिट में थे तो सिंगल सिंगल की बात चल रहे थे, लेकिन अब तो केक ज्यादा में बट सकता है ना, तो यहां 3:2 में होती, कोई टेंशन नहीं लेना। अब क्या करेंगे, आपको पता है मान लो कि 40 एवरेज है, मान लिया 40% आ रहा है मेरा, तो यहां से कितना है 10। अब बस 10 आ गया ना, अब पहले अगर होता तो सीधा सीधा 10 को ही बांट देते आप 1:1 होता तो, लेकिन यहां 3:2 है तो 10 तीन यूनिट में कितना 30। अब ये 30 ज्यादा है, अब यार 30 ज्यादा है तो क्या करूंगा? बोले कोई टेंशन नहीं है, आपको सब में बांटना है, क्योंकि जब आपने रेफरेंस गर्ल्स को ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे स्कूल में उनको छोड़ दोगे, आपको लास्ट में जो भी लोड आ रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी हो रहा हो, यहां तो बढ़ रहा है, ये 10 आया तो 3 यूनिट में 30 पड़ेगा और बटेगा 5 में, क्योंकि केक करती है सब में बढ़ती है, 46 विल बी योर एवरेज परसेंटेज ऑफ स्कूल, पूरे विद्यालय का 46 आ जाएगा। नेक्स्ट, हम अरबी बोलती और अरबी खाती हुई हैं। चलिए अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 3:2:4:1 का दे रखा है, मैंने बोल दिया यहां 60% साक्षरता है, यहां 40% साक्षरता है, यहां 57% साक्षरता है और यहां 68% साक्षरता है। साक्षरता मतलब लिटरेसी रेट, तो बताइए औसत साक्षरता कितनी होगी, एवरेज लिटरेसी रेट कितनी होगी सभी की। चलिए क्या करेंगे भाई, सर एवरेज लिटरेसी कुछ भी मान लो, मैं क्या मानता हूं, मैं मान रहा हूं 60 मान लो, ये यहां से 0 आएगा, यहां से माइनस का 20, लेकिन माइनस का 20 नहीं है, वो 2 यूनिट में है तो 40,
यहां से माइनस का तीन, चार यूनिट में है तो 12, ये प्लस का 8, एक यूनिट में है तो 1, तो ये कितना हो गया, माइनस का 40, माइनस का 12, प्लस का 8, केक कटती सब में बढ़ती, लेकिन अब नेगेटिव होती तो नेगेटिव, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि माइनस का 44 60 में से माइनस के 4.4 अगर चले जाएंगे तो 55.6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी है, 55.6, ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी रेट निकल कर आ गई 55.6। तो अल्टीमेटली ये गोल है आप लोगों का इस तरह के प्रश्नों के लिए। अगर हम आगे बात करना चाहते हैं, अगला एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सर 3:2:1 में कोई चीज मिली हुई है, ये अगर आपका 60% है, ये अगर आपका 40% है, तो ये कितना होगा यदि ओवरऑल 57% है। तो अब तरीके से जवाब देना, देखते हैं कि क्या करते हो आप। सर यहां से जेएसएम भी क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। मनीष तुम गधा होती, और पूरी रामायण बांच दी यार तुम भी, मतलब कैसी बात करती यार, हा? 10 से डिवाइड क्यों करती, रतन पूछ रहा। अरे रतन ये सारे अनुपात अब 10 है ना, पहले एक एक थे तो एक का डिवाइड मतलब चार का कर रहे थे, चार संख्याएं थी, तो अभी देखो अनुपात में है तो ये पूरा काउंटिंग डिवाइड नहीं होगा क्या, 5, 4, 9 और 1, 10, इसीलिए। देखिए सर उसको कैसे करेंगे सर, आइए। अब 57 बोल रहा है कि मैं तो 57 ही रहूंगा बॉस, अपने को हेडक नहीं है, मैं तो 57 ही रहूंगा। मैंने कहा भाई तुमने सोच लिया, बोले यस सर पूरा सोच के बैठा हूं, 57 रहूंगा। तो ये कितना आया, माइनस का 3, और 3 का गुणा होगा यहां पर, जितना अनुपात है उसका गुणा जरूर करिए, वहां एक था तो जरूरत नहीं थी। यहां कितना है सर, माइनस का 17, ये तो प्लस का 3 है भाई, माइनस का 17 × 2 = 34, तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है, प्लस का 9 और माइनस का 34, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है, माइनस का 25। सही बात है ना, सही बात है ना। ओ हीरो सामने देखो, सही बात है ना, ये माइनस का 25 आया। अब माइनस के 25 का ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा, जो यहां खाली स्थान है उस पर फूटेगा, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो कह रहा है कि मैं तो 57 रहूंगा भाई, अपन नहीं बदलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि सर 57 लेकर 40 लेकर नहीं कर, ये तो मैंने दिया है क्वेश्चन कि 57 है बोल दिया, अब ये बैलेंस करेगा इसको। अब यहां माइनस, यहां माइनस का 25 है तो यहां प्लस का 25 होगा, और प्लस का 25 केवल एक यूनिट में बट के चलेगा, तो प्लस का 25 होगा लेकिन वो बटेगा भी, लेकिन एक है तो एक में बटेगा, यानी कि अब प्लस का 25 ही होगा, वो भी किसमें, जो एवरेज है उसमें। तो आंसर कितना, 82, यानी कि आपका जो ये आंसर हो गया, ये खाली स्थान यहां 82 आ जाएगा। क्लियर भाई, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, सेवन रेशो फाइव रेशो सिक्स रेशो टू, 40%, 55%, 45%,
यहां क्या होगा, यदि ओवरऑल 65% है तो बताइए, एडवांस कब से शुरू होगा? तब से आप पढ़ना शुरू करोगे नयन, तभी से शुरू है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो टॉपिक मैंने ना पढ़ाया हो। जैसे आपको क्या पढ़ना है बताओ नयन, कौन सा टॉपिक पढ़ना है बताओ। देखिए तो यहां 65 है तो यहां कितना हो गया, माइनस का 25, 7 यूनिट में 175, यहां माइनस का 10, 5 यूनिट में 50, यहां कितना आ रहा है माइनस का 20, 6 यूनिट में 60। सॉरी, अब ये सारी कहानी है, बहुत लोड आ रहा है सर उसके ऊपर। तो मैंने कहा अब क्या करेगा, मैनेज तो बेचारा यही करेगा खालिस्तान। बोले क्या करेंगे, माइनस का 175, माइनस का 50, माइनस का 120, 5, 7 और 5, 12 और 2, 14 माइनस 345, माइनस का 345 आ रहा है, लेकिन ये तो कटेगी, तो 65 में से जुड़ के आएगा अब ये माइनस का 345 और बटे दो भी होगा। अब आप मुझसे ये पूछो कि सर बटे दो क्यों हुआ, आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये दो यूनिट है ना, इसलिए तो 65 में जुड़ के आएगा, क्योंकि यहां माइनस में स्थिति है, वहां बैलेंस करना है उसको। तो बस 150 और 22.5, यानी कि 150 और 22.5, 172.5 जोड़ लेती तो 7 और 6 और 5, 13, 237.5 आंसर आता, ठीक है, 237.5। ठीक है भाई साहब, आ गया, समझ गए आप, अलजेब्रा सर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अलजेब्रा ये भाई आप इंतजार भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन मैंने पढ़ाया भी हुआ है, वो भी पढ़ सकते हो यूट्यूब पर, है ना। सब जगह आप रेगुलर फॉलो करते रहोगे ना तो सारी चीजें अच्छी होंगी। अब जब शाम को 6:30 बजे टेस्ट होगा इसका, तो डबल रिविजन हो रहा है, हम तो मेहनत करवा सकते हैं यार, सारे बच्चे नहीं करते, इसी वजह से सभी का सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, सारे बच्चे मेहनत करेंगे तो सबका होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि पोस्ट इतनी तो है जिससे कि पढ़ने वाला ले सके, और लेता भी है, ऐसा नहीं है नहीं लेता है। आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब जैसे जैसे कि मैंने बात करता हूं अक्सर कि कभी भी कैसे भी करके अगर आपसे बोला जाए कि एन कंजुगेटिव इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, बात को समझ रहे हो क्या, क्वेश्चन आ जाता है, ये अगला टाइप है, ये अगला टाइप है जहां बोला जाता है कि आपसे एन क्रमागत सम या फिर विषम, अगर आपको एन क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या दे दी जाए तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ये टेस्ट अनअकैडमी पर होता है क्योंकि वहां पोल सिस्टम है, रैंक आती है, बाकायदा सब कुछ होता है भाई, रेगुलर फॉलो करो, ठीक है, सब पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, एन क्रमागत सम और विषम संख्या है, और 23 तारीख को हम कोलकाता मिलने वाले हैं, जो भी विद्यार्थी कोलकाता से बिलोंग करता है तो महाजति सदन में 23 तारीख को मीटअप रखा हुआ है, आपकी सारी फैकल्टीज भी आ रही हैं, मैं भी आ रहा हूं, तो जिनको मिलना है मिल लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बार बार तो आना होता नहीं है,
23 को, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जो भी आसपास के हों तैयार रहना, अच्छा लगेगा यार मिलके हमें भी। चलो, तो यहां बोला जा रहा है कि अगर सर एन लगातार संख्या, सम और विषम संख्याओं का अगर निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज जो होता है वो आप क्या कर दें, फर्स्ट नंबर प्लस एन माइनस वन, ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज में आप क्या कर सकते हैं, एन माइनस वन एड कर सकते हैं। एन क्या है वो बता देता हूं, बता दिया है वैसे तो। और अगर छोटी निकालना है, स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे छोटी संख्या, तो आप एवरेज में क्या कर सकते हैं, एन माइनस वन को माइनस कर सकते हैं। और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा टू इंटू एन माइनस वन, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अरे यार मैं बोलता हूं कि वहां जा रहा हूं, मतलब कलकत्ता जा रहा हूं, चलो है ना, अब तुम इधर आओ उधर आओ, कैसे आ जाएगा, कोई आएगा ही नहीं, कमेंट करने का कोई मतलब क्या है, अब आएंगे तब बताएंगे, है ना। चलिए आइए, एक बच्चा कह रहा आप धोखेबाज हो, पटना नहीं है, पटना मेरे को कोई लेके नहीं गया तो मैं कैसे आता भाई, है ना। चलिए, अपने आप तो आ नहीं सकते ना, डिफरेंस, डिफरेंस आपके सामने ही हो गया। आइए एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल क्या होगा वो देखिए, एग्जाम्पल अगर हम बात करने वाले हैं एन क्रमागत संख्याओं का, तो मैंने बोला कि सात कंजिगेटिव इवन नंबर का एवरेज 64 है, तो मुझे बताइए आपकी लार्जेस्ट नंबर क्या है, आपकी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, चलो बताओ फटाफट। फिर हम इसका, इस फॉर्मूले आया कैसे उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे सर, तो जैसा कि मैंने बोला कि लार्जेस्ट निकालना है, तो आपको बताया एवरेज 64 है और एन कितना है, सात है, तो सात माइनस एक तो ये हो गया 70, और 64 माइनस कर देंगे 6, वही सात माइनस एक तो ये हो गया कितना अपने पास 58, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको बड़ा अच्छा लगा होगा यार, बहुत अच्छा है, तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब हम इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब सर ये क्यों हुआ और ऐसा ऐसा कैसे हो गया सर, रीजन बताइए आप, तो फॉर्मूले का रीजन समझते हैं डियर। सात लगातार संख्याओं का, अगर मैं सात लगातार संख्या लिख रहा हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठवीं संख्या, सातवीं संख्या, आप मुझे बताओ ये सात लगातार इवन नंबर है ना, तो हर किसी इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है, दो का डिफरेंस होता है। चलिए सर, तो यहां हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो चार है मिड नंबर ही तो होगा, बोलिए। और हमेशा याद रखना कि जो मिड वैल्यू होता है, कंजुगेटिव है ना, मेंशन किया हुआ है सेवन कंजुगेटिव्स, पता नहीं कौन सी क्या है लेकिन उनका एवरेज 64 है। So, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहां से चौथी संख्या तो निकल गई। अब अगर लार्जेस्ट निकालना चाहते हो तो कितने पेयर हैं, दो दो दो, यानी कि तीन इस तरह के जोड़े बन गए, तो छह जुड़ गया, तो 64 प्लस 6 70,
अब इसी तरह से दो पीछे दो पीछे दो पीछे 64 - 6 = 58। तो क्या आपको अब लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि हमेशा जो एवरेज होता है इट गिव्स मिड वैल्यू, 7 की मिड वैल्यू 4 होती है। थोड़ा तुम भी चलो थोड़ा हम भी चले तभी तो कम होंगे फासले। एवरेज समझ ले, ठीक है? तो यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर देते हुए जाइएगा। 8 लगातार इवन नंबर का एवरेज 73 है, तो 8 लगातार इवन नंबर का एवरेज 73 है तो लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करिए। और दिमाग लगा के करना, फॉर्मूला पता है सबको, याद है। एक बच्चा कह रहा है इनका गैप 2 से ज्यादा भी तो हो सकती है। अरे भाई तुम उत्कृष्ट लेवल के हो भाई साहब, कैसे होगा? 2 कंजुगेटिव बोला गया लगातार, तो उनका 2 ही तो होता है गैप। तो यहां 73 बोला गया, तो सर कैसे करूं? मैं इसके पीछे का प्रोसेस बता देता हूं। आपको फॉर्मूला याद होगा तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस जरूरी है जानना। पहली संख्या और इवन नंबर है तो हमें 2-2 का गैप पता है, तीसरी चौथी 5 6 7 8। अब बात को सुनना, मैं कहता हूं थोड़ा तुम भी चलो, 4 में चल गया और 4 ये चल गया, अब दोनों बराबर चल दिए, लेकिन कोई संख्या बीच में है ही नहीं, तो इनके बीच में होगा ये एवरेज होगा। यानी कि 73 यहां है तो ये इवन नंबर है, तो ये कौन सी इवन नंबर होगी? 74। और ये कौन सी होगी? 72। अब यहां से क्या कर दो, 1 2 3 गैप है, यानी कि 6 जोड़ दो, 74 + 6 = 80 और 72 - 6 = 66। ये प्रोसेस हो गया। और फॉर्मूला क्या बोलता है? एवरेज प्लस एन माइनस वन 7 आएगा ना, एन माइनस वन 7 80, और वही 73 - 7 = 66। तो ये इसके पीछे का प्रोसीजर है। हाँ ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो बहुत चलता हूं लेकिन वो नहीं चलती। वो पढ़ाई करती है, वो अपनी जिंदगी सेट करेगी और अपने बराबर का लड़का ढूंढेगी, और तुम ऐसे चलते रह जाओगे। पढ़ाई करो भाई तभी वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। रीजन क्या है कि आजकल जिस तरह से समय जा रहा है उस समय में बराबर स्थिति वाले लोगों को ही तवज्जो दी जाती है। अगर आप कहीं एक ऑफिसर पोस्ट पे काम कर रहे होगे तो उम्मीद ये है कि आपको ऑफिसर पोस्ट पे ही कुछ ना कुछ मिले, वरना कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट। 39 कंजुगेटिव और नंबर का एवरेज 573 है, तो बताइए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्या होगी संख्या? हमारे गांव में कहते हैं
बेटा पढ़ ले वरना डॉगी भी नहीं पूछेगा, वो भी भौंकना बंद कर देगा तुम पे। चलिए अब 573 आपका एवरेज है तो अब आपको प्लस करना है क्योंकि लार्जेस्ट निकालेंगे n माइनस वन, तो 38 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 581 एंड 30 611 573 माइनस का 38 क्या निकल कर आया, बताओ राइट की स्पेलिंग डब्ल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं लोग, क्या हुआ। चलिए क्लियर है, समझ में आ गई बात, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया भाई सभी विद्यार्थियों का, बोले बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत, पहला प्रश्न आंसर दीजिए, ये तो हमने शायद किया है लेकिन फिर भी एक बार और ट्रायल मारते हैं, अब जल्दी से मुझे आंसर देना। हाँ प्रथम 25 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग, 26 होगा ठीक है, क्योंकि एवरेज क्या होता है n प्लस वन चलता है, अगर n बराबर ये है तो 26 हो जाएगा। 20 विषम संख्याओं का लगातार, तो n बराबर 20 है तो यही आपका एवरेज भी होता है 20। 10 अभाज्य संख्याएं का ये आप निकाल सकते हैं, अगर 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो दो अभाज्य संख्या होती है, तीन होती है, पांच होती है, सात होती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि कई सारों को तो ये भी नहीं पता कि दो होती है और एक नहीं होती है, अब ऐसी स्थिति है अपनी अपनी, क्या कर सकते हैं। 17, 19, 23, 29 हो गई कि 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यूनिट डिजिट देखो 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 9 वाला आ रहा है, तो 0.9 वाला ये है 129 आ रहा है क्या, चलो 129 आ जाएगा, 129 बटे अगर आप 10 कर रहे हो तो आपका जो एवरेज होगा 12.9 होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। यहां पर आप देखोगे कहानी बिल्कुल वही चल रही है जिस तरह से आप लेके जाना चाहते हो, 14.5 है, आप देखो तो ऐसा कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 14.5 को क्या मैं लिख सकता हूं 29 बटे 2, हाँ लिखो ना, और इसको 8 से अगर गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 29 × 4 116, तो सभी का योग कितना आ रहा है 14 और 10 24, 24 और 10 34 और 2 36, 36 और 18 54, 54 और 20 74, 74 और 20 94 और 600 प्लस एक्स, तो आंसर कितना आया एक्स की वैल्यू 16 आ गया बी ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर 1 2 3 4 5 6 7, 15 7 105 आ रहा है, तो यहां देख सकते हो 5 और 4 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24 ठीक है, 24 का 4 तो एक वाला आएगा, तो यूनिट डिजिट एक वाला उत्तर केवल बी है ठीक है ना, ऐसे आप खेल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो होता है, लास्ट खूब बार बताया हुआ है और सभी का पूछा गया है तो कोई टेंशन मत लो। तो यहां देख रहे हैं 14, तो 4 बटे 2 करेंगे या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा 9 और 5 14, 10 और 7 17, 174 बटे 2, गड़बड़ है क्या, सभी प्राकृतिक संख्या है ना 7, अरे भाई 12 होगा, बहुत बुरी है 172 बटे 2, तो 2 2 8 16 2 6 12 86, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
024 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम तीन अंकीय संख्या का औसत। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया आता है ऐसा प्रश्न, इसको बताइए आप। 024 अंकों द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन सकती है? 420, और छोटी से छोटी तीन अंकों की 204। आई बात समझ में? तो ये आपकी लार्जेस्ट बन सकती है और ये आपकी स्मॉलेस्ट बन सकती है। सर 04 नहीं बन सकती क्या? 0 आगे नहीं लगा सकते आप, वरना पिक्चर खराब हो जाएगी आपकी। तो यहां आपको एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़कर बटे दो कर दो, 624 बटे दो 312, ऑप्शन नंबर ए। नाइनटी नाइन से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। एंट्री भैया फ्री है ना, वहां पर कलकत्ता वाले में एंट्री फ्री है, और कैसे मिलेगी? गेट से अंदर आना होगा। नाइनटी नाइन से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो 99 से कम सभी विषम संख्याएं आपको देखनी है, तो मैं कहता हूं यार एक से अगर आप शुरू कर रहे हो तो 99 से कम लेना है तो 97 लोगे आप। तो पहली एक है 98 बटे दो, ठीक है ना, 49 एवरेज हो जाएगा। सर 024 नहीं होगा। राहुल तुम हो यहां, मुझे पता है। 024 कैसे हो जाएगा अगर तीन अंकों की संख्या बतानी है? तो क्या 024 तीन अंकों की संख्या है क्या? नहीं है भाई, 204 ही होगी तीन अंकों की, है ना। छह और पचास के बीच पांच से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? मतलब औसत बताइए। तो पांच दुनी दस और बीच में निकालना है तो 45, तो 55 बटे दो 27.5, ठीक है। चलिए तो एक और कर लेते हैं। पहली 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6, तो एन की वैल्यू 19 और एक 20, 19 दूनी 38 और एक 39 बटे 6, तो ये 2 से कटा तो 10 आया, 3 से कटा तो 13 आया, 130 आंसर आ गया। अच्छा लगा भाई? चलिए तो बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ बढ़िया तरीके से 6:30 बजे टेस्ट जरूर देना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न्यू बैच कब से चालू होगा? 25 तारीख से मेरा फाउंडेशन बैच आ रहा है नया, साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़िए, और जीडी का बैच भी चल रहा है, सारे मिलते हैं, सभी टीचर्स की क्लासेस मिलती हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो ये बातें तो मैंने बता दी, अब इनको कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को साथ के साथ में, ठीक है। उसके बाद में 6:30 बजे टेस्ट होगा 11 बजे वाली क्लास का। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपका क्या होने वाला है? रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है, सभी एग्जाम्स के लिए होता है मोस्ट प्रोबेबली। 6:30 बजे ये टेस्ट होगा, साहिल 10 कोड लगाकर आपको मेरे साथ में जुड़ना है अनअकैडमी पर, ठीक है। साहिल 10 कोड लगाकर आपको मेरा बैच तो मिलता ही है, सारी सब्जेक्ट मिलेंगी और अच्छे से एक एक चीज को डिटेल में आप पढ़ पाओगे। एसएससी एग्जाम में आपको जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का बैच लेना है और साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है और निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अच्छा यह है कि पढ़ते रहोगे तो माइंड हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे कितना भी कर लो हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो बस जुड़िए, 9 बजे ये होता है, 5 बजे फाउंडेशन होता है, साहिल 10 एज ए कोड लगाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। आस्क ए डाउट फीचर, रेज हैंड फीचर, क्लास में बात करना, ऑडियो कॉल फीचर पे डाउट को डिस्कस करने के लिए स्कैन करना, ये अलग अलग फीचर हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास आ रहे हैं, और भी जो अपग्रेड होगी वो आपको मिलेगी इसी सब्सक्रिप्शन में। तो पैसे जितने भी कम है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंपनी हमेशा उस तरह से देखती है, तो अभी मौका है, आप साहिल 10 कोड लगाकर ले लें जिससे कि आप आगे तक पढ़ पाएं। जो भी विद्यार्थी अपना फाउंडेशन तैयार करना चाहता है सभी विषय आपको मिलेंगी। ये टेलीग्राम है, यहां आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, साहिल सर सपोर्ट पर। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एडवांस बुक कब लॉन्च होगी? अर्थमेटिक आएगी, फिर उसके बाद एडवांस आएगी। और जो CBT 2 वाले विद्यार्थी हैं वो अभी ले लें, क्योंकि दिवाली के समय काफी दिन डिलीवरी लेट हो सकती है, तो अभी अगर ले लेंगे तो आपके टाइम पर आ जाएगी और आप प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन आप हवड़ तबड़ मचाओगी तो ज्यादा दिक्कत होगी फिर।
ठीक है डियर। तो उम्मीद करूंगा कि सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 6:30 बजे टेस्ट जरूर लगाएं, 5 बजे फाउंडेशन में या जो भी बच्चे हैं वो पढ़ते ही हैं, और रात को 8 बजे मॉक टेस्ट लीजिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं 12:30 बजे ग्रुप डी में। बाय बाय।